हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हम बना रहे चने की दाल विद घिया, या फिर लौकी भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चने की दाल, जिसको मैंने चेक कर लिया है, कंकर पत्थर नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। और 1 ले रहे हैं हम घिया, लेकिन ये पूरी घिया हम इस दाल के साथ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी थोड़ी सी करेंगे। दाल को हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और भिगा देंगे। हम घिया को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये घिया आपको व्हाइट लग रही है, ये सिर्फ जो इस पे लाइट पड़ रही है उसकी वजह से घिया बिल्कुल ग्रीन है। तो नीचे से हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। कुकर में हमने दाल को धो करके डाल लिया है, पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें मिक्स कर रहे हैं कटी हुई घिया। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिड लगाकर हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस पर हम इसको 7-8 विसल लगाएंगे, क्योंकि चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है गलने के लिए। जो हमारे पास बची हुई घी है, इसको भी हम पील कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमने घिया जो है ग्रेट कर ली है। अब हम एक अलग बाउल लेंगे और उसमें एक साफ कपड़ा लेंगे, पूरी ग्रेट की हुई घिया उसमें रख लेंगे पोटली में, और दबाते हुए हम इसमें से पानी को अलग करेंगे। ये पानी हम निकाल लेंगे, इस पानी को हमने फेंकना नहीं है। इससे हम आज एक आटे का डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अंदाजे से ही आटा, और इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ अजवाइन और थोड़ा सा नमक, और ये जो घी का पानी है उससे हम इस आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी और मेरे को डालना पड़ा, और ये घी के पानी से हमने जो डो तैयार करा है, हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम एक एक्स्ट्रा बाउल ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने ग्रेट किया हुआ जो घी है उसको निकाल लेना है। अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि जिस वक्त हमने इसको निचोड़ा था तो ये काफ़ी इकट्ठा हो गया था। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लाइक करते तो स्किप कर दीजिए, चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किए हुए प्याज, फ्रेश धनिया पत्ती। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक इधर पैन हमने रख दिया गैस पे, इसमें डाल रहे हैं हम ऑयल, और अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। साथ ही हम डाल देंगे इसमें जीरा, हल्का भुन जाता है जैसे ही हमारा तड़का ये। इसमें हम ऐड कर रहे हैं चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही हमने थोड़ा सा बड़े बड़े पीसीस में टमाटर कट करा है, इसको भी मिक्स करेंगे। टमाटर का जो कटिंग है हमने थोड़ी सी बड़ी रखी है, क्योंकि थोड़ा सा दाल के अंदर जब रेड रेड अलग अलग से दिखेगा तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। प्रेशर निकाल देंगे कुकर से और दाल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी दाल जो है पूरी तरह से कुक हो चुकी है, 7-8 विसल मैंने इसको लगवा दिए थे और बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है ये। और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे तैयार किया हुआ तड़का। आज हम फुल मील बना रहे हैं, चने की ही दाल है और वो भी घिया के साथ। तो घिया चने की दाल के साथ हम बना रहे हैं परोठी, वो भी घिया की, तो अलग ही कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो हमने घिया के पानी से आटा तैयार किया था, अब हम उसी से एक बड़ी लोई लेंगे, एक रोटी बेल लेंगे, लेकिन रोटी जो है थोड़ा बड़ी बेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, रोटी हमने काफ़ी बड़ी बेल ली है, और इसमें जो हमने ये स्टफिंग तैयार करी है घी वाली, इसको रखेंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि मैंने आधे पार्ट में ही रखी है और आधा पार्ट इसके ऊपर सेमी सर्कल में फोल्ड कर दिया। फिर से वापस से आधे पार्ट में रखेंगे और वापस से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल शेप में, जैसे कि समोसा होता है, उस तरह से ये परोठी बन करके तैयार हो रही है। थोड़ा हल्के हाथों से बेलें, क्योंकि अभी भी जो घी की जो स्टफिंग है थोड़ा गीली है।
बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है पर आसानी से हो जाता है। तवा गरम है और हमने ये परोंठी जो है इसके ऊपर डाल दी, ऑयल अप्लाई कर दिया और ये परोंठी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो घी की स्टफिंग वाली परोंठी आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं किसी दिन अलग से अपलोड करूंगी। यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने स्टफिंग को रखा और किस तरह से हमने ये परोंठी को फोल्ड किया है। तो देख रहे हैं आप वीडियो में, जैसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तवा गर्म है, हमने परोंठी को तवे पे डाल दिया और फटाफट से हमारी ये परोंठी तैयार हो गई है और दाल भी तैयार है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मैं ले रही हूँ कांच की एक प्लेट, और ये लीजिए हमने ट्रांसपेरेंट बाउल में ही इस दाल को निकाला है। पानी रखेंगे साथ में क्योंकि मैं डाइनिंग पे डायरेक्ट ही सर्व कर रही हूँ। बटर जो हमने घर में निकाला था वही बटर है और इसको मैंने एक छोटी सी मटकी में रखा हुआ है। तो लीजिए यहाँ पे ये घी वाली परोंठी भी आ गई है और अब हम धनिया पत्ती से थोड़ा सा इसको वापस से गार्निश कर रहे हैं। लेमन का एक स्लाइस रखेंगे, साथ ही स्लाइसेस रखेंगे हम खीरे की, और मेरे पास फुल प्लेट खीर सॉरी सैलेड की पड़ी थी वो भी हमने रख दी है, और बटर हमने दाल में मिक्स कर लिया। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक देना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर वापस से बोल रही हूँ कि ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आप इस दाल को चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आज ये स्पेशल चपाती बनाई है सॉरी परोंठी बनाई है घी की, इस तरह से आप बना करके ज़रूर खाइएगा, तो आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा।